हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो जैसा कि इसका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू, तो देखो ये करता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू के अलावा और भी जो टिश्यू होते हैं, लाइक हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू, तो उन सबको भी, और उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, तो यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उन सबको जोड़ने का काम यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है। अब आप लोग इसको बिल्कुल सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो घर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ईंटों को जोड़ने का काम कौन करता है, सीमेंट करता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनको जोड़ने का काम हमारा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जब देखो जोड़ता है तो उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और जो है बाइंड भी करता है। अब उसके बाद देखो, चूंकि ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट भी होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर है सबको जोड़ रहा है, तो हर जगह हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। यानी हमारे जितने भी चार टिश्यू हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब देखो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो यहाँ पे लूजली पैक होती हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही लूजली पैक होती हैं, यानी कि उनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था उसमें हमें बिल्कुल भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर हमें बहुत ही अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को समझ लेते हैं, यानी कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, क्योंकि जो हमारा टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो देखो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, मान लो ये हमारा कोई टिश्यू है, ठीक है, जो कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही लूजली यानी बहुत ही दूर दूर होती हैं और उनके बीच में बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिल जाता है। यानी आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो स्पेस है ना, इसको यहाँ पे मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो टिश्यू के बीच में, जो यहाँ पे सेल्स के बीच में जो भी स्पेस होता है, उसको हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हमारी बेसिकली सेल्स होती हैं और उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो है फाइबर्स देखने को मिलते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो फाइबर क्या होता है, फाइबर जैसा कि नाम ही है, ये कुछ हमारा धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी कि कुछ धागे लाइक का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो, जैसे हमारा फाइबर्स हो गया ना, तो इस तरीके से हमें जो है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे सेल्स के बीच में जो भी लिक्विड है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी ग्राउंड सब्सटेंस में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों से मिलके हमारा कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो यहाँ पे बेसिकली तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जिसमें पहला होता है हमारा सेल्स, दूसरा होता है फाइबर्स और तीसरा होता है हमारा ग्राउंड सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पे सेल्स भी हमारी बहुत ही अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसको हम लोग थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। जैसा कि हमारा ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें जो है कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो ये बेसिकली करता क्या है कि देखो इसका नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। तो देखो हम लोगों ने जो देखा ना फाइबर्स, तो यहाँ पे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है तो उसके अंदर जितने भी फाइबर्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यानी कि जो हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है वो यहाँ पे फाइबर्स का सिक्रीशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमनली फाउंड सेल होती है, यानी कि हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, उनके अंदर हमें फाइब्रोब्लास्ट तो जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। बाकी जो ये सारी सेल्स हैं ये प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट जो है हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिली जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें माइक्रोफेजेस के बारे में, तो ये यहाँ पे मोनोसाइट से डेवलप होता है और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह अटैक करते हैं, ठीक है, तो उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और उसके बाद जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती हैं, तो ये यहाँ पे बीटा लिम्फोसाइट से डेवलप होती हैं और उसके बाद ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। यानी कि अगर हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक कर रहा है तो उसके खिलाफ यहाँ पे एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। और उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे मार्स सेल के बारे में,
तो ये यहाँ पे हिस्टामीन को रिलीज करती है जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है, यानी कि ब्लड वेसल के साइज को यहाँ पे इंक्रीज करने का काम करता है जब यहाँ पे जरूरत पड़ती है। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे एडिपोसाइट्स के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे फैट सेल के नाम से भी जानते हैं और इसका मेन काम क्या होता है, ये यहाँ पे फैट को स्टोर करता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे WBC, आप सभी को पता होगा वाइट ब्लड सेल्स, तो ये यहाँ पे क्या करती हैं, ये यहाँ पे हमारी बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब देखो WBC को हम लोग यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी सेल्स देखी तो उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देख लो कि देखो फाइब्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे स्पेशली जो हमारा एडिपोसाइट्स होता है तो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें फैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं, ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ना, ये यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये सारा स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोग इसको देख लो, ठीक है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे फाइबर्स के बारे में, तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है तो उसके अंदर बेसिकली हमें तीन टाइप के फाइबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा कोलेजन फाइबर्स, दूसरा होता है इलास्टिक फाइबर और तीसरा होता है हमारा रेटिकुलर फाइबर। तो जो हमारा कोलेजन फाइबर होता है ये यहाँ पे कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जो हमारा इलास्टिक फाइबर होता है ये यहाँ पे इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और वहीं पे जो हमारा रेटिकुलर फाइबर होता है ये यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कोलेजन फाइबर का ही एक टाइप होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे टाइप 3 कोलेजन से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद देखो जो हमारा कोलेजन फाइबर है ये यहाँ पे नॉन ब्रांच होता है, यानी कि इसके अंदर हमें ब्रांचेस वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं पे जो हमारा इलास्टिक फाइबर होता है तो इसके अंदर भी हमें ब्रांच मिलती है, और जो हमारा रेटिकुलर होता है इसके अंदर भी हमें ब्रांच देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे जो हमारा कोलेजन फाइबर होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा इलास्टिक होता है ये यहाँ पे इलास्टिक नेचर का होता है, जैसा कि इसका नाम ही है, तो जैसा हमारा रबड़ होता है ना, तो उसी तरीके से हमारा इलास्टिक फाइबर होता है। और रेटिकुलर फाइबर में होता क्या है कि हमारे ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग होती है। अब यहाँ पे देखो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना कि जो हमारा कोलेजन फाइबर है ये यहाँ पे थिक होता है, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो यहाँ पे इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर के कंपेयर में बहुत ही अच्छी खासी होती है। वहीं पे जो हमारा इलास्टिक फाइबर होता है वो यहाँ पे कोलेजन फाइबर के कंपेयर में थिन होता है, और जो रेटिकुलर फाइबर है ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा ऐसे देख लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा जो है टिश्यू हो गया, ठीक है, तो इसमें जो हमारा जैसे ये कोलेजन फाइबर है तो ये सबसे ज़्यादा थिक है, यानी कि देखो इसमें यहाँ पे बहुत ही मोटी लेयर होगी, ठीक है, और इसमें ब्रांचेस नहीं है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी ब्रांचेस नहीं है। अब उसके बाद जो हमारा इलास्टिक फाइबर है तो ये यहाँ पे क्या है, ये देखो ये यहाँ पे इससे पतला है लेकिन यहाँ पे रेटिकुलर से थोड़ा सा मतलब मोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हम लोग फिल कर लें तो आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो इसमें भी ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांचेस देखो ब्रांचेस मतलब क्या है, ये जो इस टाइप की ब्रांचेस निकल रही हैं, तो यहाँ पे हमें जो है इलास्टिक फाइबर में देखो ब्रांचेस देखने को मिलती हैं लेकिन कोलेजन में बिल्कुल भी ब्रांचेस नहीं होती हैं। और वहीं पे हमारा रेटिकुलर जो है ये बहुत ही पतला होता है और इसमें भी ब्रांचेस होती हैं, तो यहाँ पे इसको कुछ हम लोग इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पूरे टिश्यू में इस तरीके से फैला हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारा कोलेजन फाइबर होता है वो हमारी टिश्यू को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, वहीं पे जो हमारा इलास्टिक फाइबर होता है वो यहाँ पे हमारी टिश्यू को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और वहीं पे जो हमारा रेटिकुलर फाइबर होता है वो यहाँ पे टिश्यू को सपोर्ट देने का काम करता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में, तो ये यहाँ पे जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें जो हमारी सेल्स और फाइबर्स होती हैं वो यहाँ पे सस्पेंडेड होती हैं, यानी कि डिजॉल्व होती हैं, इसको आप लोग कुछ इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होता है तो इसमें बेसिकली हमें जो है वाटर, हाइलोरॉनिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स और सल्फेट वगैरह देखने को मिलते हैं, यानी इन सब के मिक्सचर से हमारा ये मिलके बना होता है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, यानी कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो देखो जैसा कि इसका नाम ही है तो ये यहाँ पे हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद जो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन देने का काम भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू करता है। और उसके बाद जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो भी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ही तैयार होता है। देखो अगर हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो यहाँ पे जुड़ेंगे ही नहीं तो हमारा फ्रेमवर्क कैसे तैयार होगा, तो यहाँ पे फ्रेमवर्क तैयार करने का काम भी कनेक्टिव टिश्यू करता है। और उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड फैट स्टोरेज का काम भी कनेक्टिव टिश्यू करता है। तो देखो फैट स्टोरेज हम लोगों ने देखा था कि जो एडिपोसाइट्स थी वो यहाँ पे फैट स्टोरेज कर रही थी, और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो हमारा ब्लड होता है जो कि हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है।
सो फाइनली अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो यहाँ पे बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड होता है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये तीनों भी आपस में कुछ सब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में बात करें तो हमारा एरोलर टिश्यू हो जाता है, एडिपोज हो जाता है और रेटिकुलर हो जाता है। वहीं डेंस की बात करें तो ये यहाँ पे डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर में डिवाइड होता है, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर हमें कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो ये जैसा इसका नाम ही है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं और फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूजली पैक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये हमारी पूरी बॉडी में पहली बार प्रेजेंट होता है, यानी कि देखो हमारा जो मेन कनेक्टिव टिश्यू है वो यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। अब उसके बाद देखो इसमें जो हमारा जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसका प्रोपोर्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें जो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो फाइबर्स और सेल्स हैं वो यहाँ पे थोड़े कम अमाउंट में देखने को मिलेंगी और बहुत ही लूजली अरेंज होंगी। अब उसके बाद देखो जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये भी यहाँ पे तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें पहला है हमारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एडिपोज एंड थर्ड है हमारा रेटिकुलर। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो ये यहाँ पे जो है हमारा कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। अब देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, जो हमारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जितना कुछ देखा था, यानी जितने भी सेल्स हैं और जितने भी फाइबर्स हैं वो सारी की सारी हमारी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं उनमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, लेकिन जो हमारा एरियोलर है उसके अंदर हम लोगों ने अभी जितनी भी सेल्स देखी हैं और जितने भी फाइबर्स देखे हैं वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे। यानी हमारा कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और जितनी भी सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स, वो सारी की सारी लगभग हमें देखने को मिल जाती हैं। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारी स्किन के नीचे और हमारे मसल्स के बीच में देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शंस की बात करें तो ये यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और टिश्यू को सपोर्ट देने का काम करता है। अब यहाँ पे आप लोग एरियोलर टिश्यू के फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। देखो ये जो ये वाली सेल है ये हमारी माइक्रोफेजेस हो गई, ठीक है, और ये वाली हमारी एडिपोसाइट्स हो गई, और उसके बाद ये वाली जो सेंटर में दिख रही है ये वाली, ये हमारी क्या हो गई, फाइब्रोब्लास्ट हो गई। और उसके बाद फाइबर्स की बात करें तो ये जो आप लोग को सबसे थिक वाला फाइबर देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल के अराउंड से होकर जा रहा है, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा कोलेजन फाइबर हो गया। और उसके बाद ये वाला जो ये वाला फाइबर आप लोग को दिख रहा है ये हमारा इलास्टिक हो गया, और ये जो पतले पतले आप लोग को दिख रहे हैं ये हमारे रेटिकुलर फाइबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे और ये वाली सेल हमारी मार्ट सेल हो गई। तो यहाँ पे लगभग हमें सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो इसके अंदर हमें मेनली जो है एडिपोसाइट्स और फ्यू नंबर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलते हैं। अब देखो वहाँ पे इसीलिए मैंने आप लोग को बताया था कि एरियोलर में हमें लगभग लगभग सारी सेल्स और सारे फाइबर देखने को मिलते हैं, जबकि हमारी जो बाकी टिश्यू होते हैं इसमें हमें कुछ स्पेशल सेल्स और स्पेशल नंबर ऑफ फाइबर्स ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमें जो एडिपोसाइट्स यानी कि जो हमारी फैट वाली सेल्स थी वो हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो हमारी एडिपोसाइट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 यानी कि हमारी एडिपोसाइट्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। और उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट जो है यहाँ पे बहुत ही 1-2 देखने को मिलती हैं, और उसके बाद हमारे जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। अब ये हमारी स्किन की डीप लेयर में प्रेजेंट होता है और हार्ट और किडनी के अराउंड में हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके मेजर फंक्शंस की बात करें तो इसका मेजर फंक्शन होता है हीट लॉस का, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। और ये यहाँ पे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और उसी तरह हम लोग बात करें यहाँ पे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो इसके अंदर जैसा कि इसका नाम है रेटिकुलर, तो हमें जो है रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स देखने को मिलती हैं। अब रेटिकुलर सेल्स हमारी थोड़ी स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि ये जो सेल्स दिख रही हैं ये यहाँ पे रेटिकुलर सेल्स हैं, और ये जो फाइबर्स हैं ये यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर्स हो गए। देखो रेटिकुलर फाइबर्स यहाँ पे सबसे थिन फाइबर्स होते हैं, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमें लिवर, रेड बोन मैरो और ब्लड वेसल्स के अराउंड और मसल्स में देखने को मिल जाती है। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो ये यहाँ पे ऑर्गन्स का स्ट्रोमा फॉर्म करने का काम करता है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो जैसा इसका नाम है डेंस, देखो डेंस का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देते हैं।
अब देखो जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर हमें सेल कंटेंट लोअर देखने को मिलता है और फाइबर कंटेंट हायर देखने को मिलता है, यानी कि सेल्स यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में होती है और जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और बहुत ही आसपास जो है एक डेंस लेयर को फॉर्म कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी बेसिकली हमें दो सब कैटेगरी देखने को मिल जाती है, जिसमें पहला होता है हमारा डेंस रेगुलर और दूसरा होता है हमारा डेंस इरेगुलर। देखो ये दोनों बहुत ही आसान है, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो बात करें हम लोग डेंस रेगुलर टिश्यू के बारे में, तो देखो जैसा इसका नाम ही है रेगुलर, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारे फाइबर्स हैं वो यहाँ पे रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, यानी आप लोग कह सकते हो कि पैरेलल पैटर्न में अरेंज होंगे, यानी कि हमें जो है एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर देखने को मिलेंगी, यहाँ पे कोई लेयर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, एग्जाम में अक्सर ये दो नंबर में पूछा जाता है कि देखो यहाँ पे जो डेंस रेगुलर टिश्यू होता है ये यहाँ पे हमें टेंडन्स और लिगामेंट्स में देखने को मिलता है, और जो हमारा टेंडन्स होता है तो ये यहाँ पे मसल्स को बोन से अटैच करता है, और जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो यहाँ पे बोन को बोन से अटैच करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके मेजर फंक्शंस की बात करें तो ये यहाँ पे जैसा इसका नाम ही है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी आप लोग देख रहे हो कि मसल को बोन से अटैच कर रहा है, बोन को बोन से कर रहा है, तो अटैचमेंट यहाँ पे इसका मेजर फंक्शन हो जाता है। अब आप लोग इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो कि हमारे फाइबर्स जो है एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, और यहाँ पे हमें जो सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट जो है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो सेल्स हैं वो हमारे यहाँ पे थोड़ी दब जाती हैं, क्योंकि जो हमारे फाइबर्स हैं वो बहुत ही डेंस लेयर को फॉर्म कर लेते हैं। और उसी तरीके से हम लोग बात करें डेंस इररेगुलर टिश्यू के बारे में, तो देखो इसके अंदर जैसा इसका नाम है इररेगुलर, तो यहाँ पे जो हमारे फाइबर्स हैं वो यहाँ पे इररेगुलर फॉर्म में अरेंज होंगे। देखो एक चीज़ आप लोग बिल्कुल सिंपल समझ के लो, डेंस का मतलब क्या है, फाइबर्स, ठीक है। डेंस में हमारे क्या होंगे, फाइबर्स अरेंज होंगे, तो रेगुलर है तो रेगुलर पैटर्न में और इररेगुलर है तो इररेगुलर पैटर्न में। अब यहाँ पे इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमें जो है स्किन की डर्मिस लेयर में देखने को मिल जाती है और लिवर, टेस्टिस और लिम्फ नोड में हमें देखने को मिल जाती है। एंड इसके मेजर फंक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। अब आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो जो हमारे फाइबर्स हैं वो बहुत ही इररेगुलर पैटर्न में अरेंज है, ठीक है, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, यानी कोई भी रेगुलरिटी देखने को नहीं मिल रही है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो देखो जो हम लोगों ने डेंस और लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखा तो उनको छोड़ के जो हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये यहाँ पे बेसिकली सपोर्टिव नेचर के होते हैं, और जो भी हमारा फ्रेमवर्क है बॉडी का उसको जो है सपोर्ट करने का काम करते हैं, और हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं और हमारी बॉडी को एक पोस्चर प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली हमें कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड देखने को मिल जाता है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बोन्स की, तो ये हमारा सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, और ये यहाँ पे जो हमारी बॉडी का शेप और पोस्चर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इन सबको बहुत ही डिटेल में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आने वाली यूनिट्स हैं हमें उनमें इन्हीं सबको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। अब देखो जो हमारा बोन्स होता है उसके अंदर बेसिकली हमें 25% वाटर देखने को मिलता है, 30% ऑर्गेनिक मटेरियल एंड 45% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे ब्लड की, तो ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसके अंदर जो हमें 55% प्लाज्मा एंड 45% सेल्स देखने को मिलती हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्लड हमारी जो है तीन टाइप की होती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा रेड ब्लड सेल यानी हमारी RBC, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल यानी हमारी WBC, और तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारा कार्टिलेज होता है, तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, यानी कि जब मदर यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है तो जो पहले ही 5 के 10 हफ्ते होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये कार्टिलेज बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में देखने को मिलता है। और उसके बाद होता क्या है कि जैसे जैसे जो है हम लोग एडल्ट होते जाते हैं तो ये कार्टिलेज हमारा बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि देखो एडल्ट्स में भी कुछ कुछ जगह हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारी दो बोन्स होती हैं उनके बीच में हमें कार्टिलेज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, और देखो नोट्स आप लोग को लगभग कल देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कल या परसों तक। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आज की वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।